देवास के एक स्कूल में जमकर हंगामा हुआ। मामला यह था कि स्कूल के एक शिक्षक ने राम मंदिर के बारे में टिप्पणी करते हुए छात्रों को कहा था कि राम मंदिर बनाना पैसे की बर्बादी है, इससे अच्छा तो चर्च बनवाओ। छात्राओं ने इस बात का विरोध किया तो शिक्षक ने उन्हें स्कूल से निकलवा देने की धमकी दी। छात्रों ने इसकी शिकायत राम राम संस्थान प्रमुख से की। राम राम संस्थान के प्रमुख और कार्यकर्ताओं ने स्कूल में जाकर इस मामले की शिकायत प्रिंसिपल से की, जिसके बाद शिक्षक को स्कूल से निकाल दिया गया। ये मामला शांत होने के बाद स्कूल की एक शिक्षिका ने जय श्री राम का नारा लगाने पर छात्रों को चांटा मार दिया, जिसके बाद उस शिक्षिका को भी स्कूल से निकाल दिया गया। दरअसल ये पूरा मामला देवास के किंग जॉर्ज स्कूल का है, जहां के शिक्षक सुधांशु गहलोत ने कक्षा 9वीं के छात्रों को पढ़ाते हुए कहा था कि राम मंदिर को बनाना वेस्ट ऑफ मनी है, ये पैसा गरीबों में बांटो और ज्यादा से ज्यादा चर्च बनवाओ और वहां जाकर पढ़ाई करो। छात्र विवेक शर्मा ने कहा कि जब हमने शिक्षक की इन बातों का विरोध किया तो शिक्षक ने हमसे कहा कि अगर तुम लोग ज्यादा बोलोगे तो तुम्हारी टीसी दे दी जाएगी और हमें कक्षा से बाहर निकाल दिया। हम सभी ने इस घटना के बारे में राम राम संस्था के प्रमुख शैलेंद्र सिंह पवार को बताया, जिसके बाद उन्होंने अपने साथियों के साथ आकर प्रिंसिपल से शिक्षक की शिकायत की व शिक्षक को तत्काल नौकरी से निकालने की मांग की। राम राम संस्था के प्रमुख शैलेंद्र सिंह पवार ने बताया कि जब हम स्कूल में शिक्षक की शिकायत प्रिंसिपल से करने गए तो प्रिंसिपल ने भी हमारी बातों को समझा और कहा कि अगर शिक्षक ने ऐसा कहा है तो यह गलत है। उन्होंने संबंधित शिक्षक को तत्काल निकालने की बात हमसे कही। मामला शांत होने के बाद जब हम बाहर आने लगे तो जय श्री राम का नारा लगाने पर छात्रों को रेखा मैडम ने चांटा मार दिया, जो कि सरासर गलत है। हमने इस मामले की भी शिकायत प्रिंसिपल से की, जिसके बाद उस शिक्षिका को भी निकाल दिया गया। शैलेंद्र सिंह पवार ने कहा कि हमने इन दोनों की शिकायत पुलिस से भी कर दी है, जिससे ये लोग आगे कहीं भी ऐसी हरकत ना करें। वहाँ पे कल सुधांशु सर है हमारे एसएसटी के, उन्होंने बोला था कि राम मंदिर को बनवाना ओनली वेस्ट ऑफ मनी है, ये जो जितने भी गवर्नमेंट लोग हैं ये सारे रिश्वत लेते हैं और रिश्वत लेते हैं, अपने ही पैसा फालतू चीजों में यूज करते हैं, मंदिर बनाना फालतू है और ये पैसे को गरीबों में बांटो, ज्यादा से ज्यादा चर्च बनवाओ और चर्च के अंदर जाके पढ़ाई करो। और बोले भगवान मेरे को नहीं मानता तो मैं भगवान को क्यों मानू, मेरे को भगवान मानता है का? हमने बोला तू तुकार मत बोलो, तो बोले ज्यादा हो बोलो मत, नहीं तो तुम्हारी टीसी काट दी जाएगी। तो इसने पूछा कि सर आप राम मंदिर की ओपनिंग हुई थी आप गए थे क्या? तो इसको बोले चल रहे निकल, उंगली दिखा के चल रहे निकल बढ़ ले क्लास से बाहर, बोले चल रहे निकल बढ़ ले। और हम 5 दिन से बाहर, हम 5 दिन से बाहर थे, ये था मतलब। और हमारा ये निवेदन है प्रशासन से भी कि इन सब स्कूलों में एक इंडिकेशन, एक जो होना चाहिए जानकारी डाल दे कि भाई इस प्रकार की किसी के धर्म को नीचा दिखाने की कोई बात नहीं की जाए। भाई जो भी होता है, जैसा भी होता है, धार्मिक स्थल है, वहाँ पर शिक्षा का एक संस्थान है, उस शिक्षा में सब धर्म के लोग हैं, किसी के धर्म से किसी को तकलीफ ना होना चाहिए। और जो जिसके धर्म में अच्छा लगे वो उसको करना पड़ेगा। हमें अच्छा लगता है राम जी की पूजा करना तो उनकी पूजा करते हैं, भाई तुम्हें अच्छा लगता है फादर की पूजा करना तो उनकी करो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। इस मामले को लेकर स्कूल प्रिंसिपल अलका कनौजिया ने कहा कि कोई भी टीचर हो अगर वो इस तरह की धर्म विरोधी बातें करता है तो वो गलत है, बच्चों को इस तरह का ज्ञान नहीं देना चाहिए। दोनों टीचर को हटा दिया गया है। वहीं इस मामले में औद्योगिक थाना TI शशिकांत चौरसिया ने कहा कि प्रकरण धार्मिक रुझान का है, इसलिए छात्रों व स्कूल संचालिका को आवेदन दिया जाएगा, अगर कोई दोषी पाया जाता है उसके खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। क्लियर गलती है, मैं उसके बराबर एडमिट करती हूँ कि सर ने जैसा मुझे जो जानकारी मिली जी, कि सर ने ये कहा है बच्चों से कि बेटा मैं डेमोक्रेसी समझा रहा हूँ, पर डेमोक्रेसी में तो मैंने आज तक ऐसा कुछ नहीं पढ़ा कि राम मंदिर में जो पैसा लगाया वो वेस्टेज, जबकि राम मंदिर में कोई पैसा लगाया वो वेस्टेज नहीं है, जिस तरीके की बात वो कर रहे थे वो सर जी। तो जी उन्होंने करी वो बात वो गलत, हाँ तो सर को रस्टिकेट करा, उसके बाद 2-3 बच्चे ऊपर जय श्री राम खुशी से लगा रहे होंगे, अगर वो जय श्री राम का नारा तो उसमें भी मैडम की गलती, खुशी सोनी मैडम की, जो उन्होंने उन बच्चों को रोका और चाटा मारा या डाटा मुझे नहीं मारा, वो तो मना कर रही है, शी इज रिफ्यूजिंग कि उन्होंने नहीं मारा, बट आई एडमिट दैट शी इज इन मिस्टेक। शिक्षक के द्वारा कुछ धार्मिक रुझानों को लेकर के वक्तव्य दिए गए थे, जिसके लेकर के छात्र कुछ परेशान थे और उन्होंने अपने परिजनों को और परिचितों को बात बताई थी, जिसको लेकर के एक संस्था के लोग वहाँ पर गए थे विरोध दर्ज कराने। अभी वो थाने पर उन्होंने एक एप्लीकेशन दी है, हम समस्त तथ्यों की जांच करा रहे हैं, जिस अगर यदि इसमें कोई अपराध घटित होना पाया जाएगा तो निश्चित तौर पर कार्रवाई।
आप देख रहे हैं दखल न्यूज।